कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वक्त के साथ सब चीजें बदलती हैं और ऐसे ही अपने आप को बदला है हमारे शहर की हाईटेक और डिजिटेक हो चुकी एक ऐसी लाइब्रेरी ने जो करीबन 137 साल पुरानी है। आइए विजिट करते हैं हमारे शहर की टाउन हॉल कहे जाने वाली गांधी लाइब्रेरी का। यहाँ से मेरे साथ है प्रसून जी जो कि इस लाइब्रेरी के बारे में बता रहे हैं। सुन सर, ये लाइब्रेरी जो पुरानी है अब क्या इसमें आधुनिकता होने वाली है इसके बारे में? इसको अपन ने इनहेंस करा है जो कि एक डिजिटल लाइब्रेरी के फॉर्म में बनाया गया है और इसमें हमने करीबन 102 सिस्टम्स लगाए गए हैं डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जिसमें बच्चे आके अपना स्टडी कर सकते हैं। इसमें करीबन 15,000 ई बुक्स अवेलेबल रहेंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट भी रहेगा बच्चे जो कि अभी 3 मंथ्स के लिए उसको ईजिली विथ फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे सकते हैं। और थर्डली इसमें एक मॉड्यूल है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है यहाँ का लैंग्वेज लैब जिसमें हम कुछ लैंग्वेज सीख सकते हैं जैसे फ्रेंच, डच और जैपनीज़, चाइनीज़। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि हम यहाँ पे आके प्रोनाउंस कर सकते हैं और उसको सीख भी सकते हैं। इसमें मैं एक ख़ास बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किया है जिसमें हम बुक्स की RFID टैगिंग भी कर रहे हैं। अब हम जो बुक्स को इशू और रिटर्निंग जो प्रोसेस है सर्कुलेशन वाला हमारा, वो हम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं जो कि एक इनहेंस फीचर है और सुविधाजनक भी है बच्चों के लिए भी और आज का एटमॉस्फियर को देखते हुए लाइब्रेरी के लिए। कहा यह जाता है कि एक सच्चा और एक अच्छा दोस्त एक किताब बन सकती है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी JSCL द्वारा इसे एनहेंस किया गया है और यहाँ जो दोस्त मौजूद है ना दोस्तों, वो डिजिटल और हाईटेक भी है। तो रेडियो ऑरेंज के जैसे आप भी इसके मेंबर बनिए और आज ही जाकर अपने फ्यूचर को और भी ब्राइट कर लीजिए। रेडियो ऑरेंज से मैं हूँ RJ बॉबी आपके साथ, कुछ खट्टा कुछ मीठा।